नमस्कार, मैं पीयूष और आप देख रहे हैं रबजी लाइव। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की गई भविष्यवाणी पे। G20 के भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुशनुमा मुलाकात और उसके बाद इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन की बैठक से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की दूरी ने बिहार की एक नई राजनीतिक संभावना बनती हुई दिख रही है। यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद को छोड़कर बीजेपी के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे प्रशांत किशोर ने स्टेप बाय स्टेप उनका प्लान समझाया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सहूलियत के हिसाब से अपनी राजनीतिक दिशा तय करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने समझाया कि नीतीश कुमार आखिर क्यों बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब गए। नीतीश क्या फिर पलटी मारकर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। ललन सिंह इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में दिल्ली में नीतीश कुमार से उनके मुलाकात हुई थी। मीटिंग के दौरान नए गठबंधन बनाने की पर चर्चा भी हुई। उस मीटिंग को याद कराते हुए पीके ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अपना एक अलग तरीका है। वह अपने साथ रहने वाली पार्टियों और लोगों को डराते रहते हैं। नीतीश कुमार यह कहकर ब्लैकमेल करते रहते हैं कि मेरी पार्टी नहीं मानी तो पलटी मारकर उधर भी जा सकते हैं। तंज करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार कल होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यह कहेंगे कि हमने तो सबको एकजुट करने का प्रयास किया, ये लोग साथ नहीं आए तो बिहार की जनता की भलाई के लिए बीजेपी के साथ जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।